जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली वाले राग पर क्या उमर अब्दुल्ला के साथ अखिलेश यादव है? क्या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सियासी दलों को देश की संप्रभुता से खिलवाड़ भी कबूल है? क्या 370 की वापसी का राग लाकर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को डायरेक्ट चुनौती दी जा रही है? जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद आज पहली बार उमर अब्दुल्ला की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अब्दुल्ला सरकार के शपथ समारोह में अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। नई सरकार के शपथ के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की वापसी का राग भी अलाप दिया, तो अखिलेश भी इस सवाल पर अब्दुल्ला के साथ दिखाई दिए। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। जो हमारे छीने हुए हुकूक है उनको वापस लाने की कोशिश करनी है। कश्मीर के लोगों की जो भावना है तो हम उसके साथ, जो हमारा अलायंस का इन टोटलिटी मेन एजेंडा रहा है वो रहा है कि स्टेट हमारा वापस आना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार उमर अब्दुल्ला की नई सरकार ने आज शपथ ले ली। शेरे कश्मीर स्टेडियम में उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के साथ 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत एनडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। शपथ लेते ही उमर अब्दुल्ला एक्शन में है। उमर का कहना है पहले ही कैबिनेट में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने वाला प्रस्ताव लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी एजेंडे में 370 की वापसी का वादा भी था। सरकार बनते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर से 370 की बहाली की बात कही है। संदेश यही है कि हमें मिलजुल के काम करना है और दुआ यही है कि अल्लाह हमें उन तवक्कात पे खरा उतारे जो तवक्कात लोगों का हमारे साथ वाबस्ता है। 370 को नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आने के बाद मतलब अभी कुछ घंटे बाद परस्यू करेंगे। कोशिश तो करनी है, जो हमारे छीने हुए हुकूक है उनको वापस लाने की कोशिश करनी है। अब सवाल है क्या 370 की फिर से बहाली वाला वादा उमर अब्दुल्ला पूरा कर पाएंगे? इस बीच 370 के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करते नजर आए। समाजवादी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी? जो लोगों की भावना है, कश्मीर के लोगों की जो भावना है, जिनसे उन्हें अधिकार, जिनसे उन्हें सम्मान, जिनसे उन्हें संस्कृति को संरक्षण करने के लिए और संवर्धन करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, तो हम उसके साथ हैं। हालांकि 370 की फिर से बहाली कराना इतना आसान नहीं, ये मुद्दा केंद्र के अधीन है। 370 वापस लाने की रट लगाने वालों को नए कश्मीर की नई सरकार के गठन के बाद इस तस्वीर को भी देखना चाहिए। नए नवेले मंत्रियों की गाड़ियों पर अब सिर्फ तिरंगा लगा है। 370 हटने से पहले सरकारी मंत्रियों की गाड़ी पर 2 झंडे होते थे। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस उमर कैबिनेट में शामिल नहीं हो रही। कांग्रेस नेताओं का कहना है जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए संघर्ष करेंगे। ये चुनाव लड़ा गया स्टेट रेस्टोरेशन के लिए, जो हमारा अलायंस का इन टोटलिटी मेन एजेंडा रहा है वो रहा है कि स्टेट हमारा वापस आना चाहिए, उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे। अभी प्रेस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को, कि आप जब सारी चीजें हो चुकी है तो स्टेट रेस्टोर करो, तो इसलिए हमने थोड़ा सा रेस्ट्रेन किया जी। अभी हम गवर्नमेंट में जाएं उससे बेहतर है कि हमारा फिलहाल ये रहना चाहिए कि स्टेट रेस्टोर करें, कि स्टेट रूट जब तक रेस्टोर नहीं होगा तब तक शामिल नहीं होंगे। कौन? कांग्रेस सर। तो ठीक है ना, तो इससे लगा आपको डिसएग्रीमेंट है सर? कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है ना। अब देखिए, आप माइक हटा दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। दे हैव वन पोर्टफोलियो, दे कांट डिसाइड हु टू गिव इट टू। विल वेट, लेट देम डिसाइड, व्हेन दे रेडी टू गिव इट वी आर रेडी। विशाल लोग दोनों हितों को आगे चलाएंगे, उनकी मुश्किलें दूर करेंगे। एक तरफ जम्मू कश्मीर पहुंचकर इंडी गठबंधन के नेता बदलते कश्मीर की तारीफ करते हैं, ये सियासतदान जानते हैं कि नए कश्मीर की तस्वीर 370 हटने के बाद ही बदली। दूसरी तरफ फिर से 370 की बहाली की रट लगाए हैं। अब सवाल है क्या सियासत और सत्ता के लिए देश की संप्रभुता को दांव पर लगा देंगे? क्या अखिलेश यादव जैसे नेताओं को भी जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली मंजूर है? क्या मोदी विरोध में विकास की ओर बढ़ते नए कश्मीर की तस्वीर विपक्षी नेताओं को नागवार गुजर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।